सो दोस्तों, ये मेरा दूसरा कार्टून है जो कि पहला कार्टून का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया हूँ। आपने अगर उसको नहीं देखा तो देख लेना, एंड उसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, चाहे तो आप जाकर देख सकते हो। ये दोस्तों मेरा तीसरा कार्टून है, मैं दुकान के लिए कुछ सामान लाया हूँ, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान है, उसका प्राइस क्या है, सब कुछ बताऊँगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। सो चलिए दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना इसी टाइप से वीडियो देखने के लिए। सो दोस्तों, ये दोस्तों जो कि आयरन का कॉयल है, जो कि 1000 वाट, 700 वाट, 650 वाट सब में लगता है, जो कि 10 पीस करके रहता है एक एक जो कि पन्नी के अंदर। सो इसका प्राइस दोस्तों आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट जो कि 60 रुपीज़। सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ बड़ा सा बड़ा बड़ा जो आयरन होता है ना, उसके अंदर लगता है कॉयल, ये रहा सबसे बड़ा। इससे बड़ा दोस्तों आयरन का कॉयल आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये जो कि कुछ इंडिकेटर है जो कि लगता है आपको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, जो कि होलसेल में आपको मिल जाएगा ओनली 5 से 10 रुपये के अंदर। अभी नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या क्या, बहुत सारे चीज़ ये आपको दिख रहा होगा। चलिए एक एक करके आपको इसको उठाते हैं, एंड वीडियो दोस्तों थोड़ा आपको लंबा मिलेगा तो लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चीज़ जो कि देखने को मिलेगा, एंड इसका प्राइस भी आपको जानने को मिलेगा। ये दोस्तों एंगल ग्राइंडर में जो यूज़ होता है वो वाला पत्ती, जो कि 10 पीस है, इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट जो कि मुझे पड़ा है 50 से 60 के अंदर। सो ठीक है दोस्तों, अभी इसको मैं देता हूँ साइड में, जो कि बंदा है वो गिनेगा, अपना भाई है। सो दोस्तों, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है चलिए इसको देखते हैं। तो इसको खोल लेते हैं, ये जो दोस्तों ये पन्नी है, इसके अंदर दोस्तों आपको मिलेगा जो एंगल ग्राइंडर में जो लगता है शाफ्ट उसका है, जो कि 801 का है एंड 6x100 का है, जो कि शाफ्ट था नीचे रख दिया हूँ। अब नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर है दोस्तों कैमरा में थोड़ा बीच बीच में, जैसे आपको ऐसे जैसे दिख रहा होगा सामान नहीं दिख रहा होगा, उस टाइप का सिचुएशन आ चुका है। सो दोस्तों, यहाँ पे 3 जो कि कंटेक्टर लाया हूँ, जो कि लगता है सिंगल फेस स्टार्टर के अंदर। यहाँ पे देख दो इसका प्राइस दोस्तों, वीडियो का लास्ट में बताऊँगा, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहना, बीच में हो सके तो मैं बता दूंगा कॉन्टेक्टर का प्राइस, ठीक है दोस्तों? इसके अंदर अभी क्या क्या चीज़ें देखते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा आपको कॉयल, जो कि आयरन के अंदर लगता है, ये रहा दोस्तों, जो कि 750 वाला एंड 1000 वाला दो टाइप का रखा हुआ है एक बॉक्स के अंदर, जो कि 10 पीस है। यहाँ पे दोस्तों कूलर मोटर का स्विंग मोटर है, कूलर में जो लगता है वो वाला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो टाइप का रखा हुआ है, 10 पीस में रख दिया हूँ, दे दिया हूँ उनको। अभी दोस्तों इसके अंदर कुछ दिख रहा होगा, ये रहा दो दोस्तों बॉक्स है, जो कि आर्मेचर है नीचे एक वाइट कलर का, नहीं ये पन्नी के अंदर मैं खोल रहा हूँ ऑलरेडी। तो सॉरी दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सामान की तरफ मेरा ध्यान था, वीडियो की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, ठीक है? ये दोस्तों जो ड्रिल मशीन में लगता है वो वाला, जो कि आर्मेचर, ये दोस्तों आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 250 से 280 के अंदर, ठीक है दोस्तों? ये बात दोस्तों जो कोई जो कि कॉयल है, जो कि स्टार्टर के अंदर लगता है, टोटल 10 पीस है। यहाँ पे जो कि सिंगल फेस एंड 3 फेस दोनों का बोला था, पता नहीं क्या दिया है। चलिए एक को खोल के आपको दिखा देते हैं, देख सकते हो कुछ इस टाइप का है दोस्त ये वाला कॉयल, ये वाला दोस्तों जो कि सिंगल फेस के अंदर लगता है, जो स्टार्टर के अंदर। इसका प्राइस दोस्तों आपको पड़ जाएगा, मैं स्टार्टर के साथ इसका भी प्राइस बता दूंगा वीडियो के बीच में, ठीक है? क्योंकि ये दोनों दोस्तों सेम ही है, जो कि स्टार्टर के अंदर लगता है, तो इसलिए प्राइस में मैं दोस्तों एक साथ में ही बताऊंगा। नीचे और भी बहुत सारे चीज़ है, जो कि मिक्सर ग्राइंडर, मोटर वगैरह सब कुछ है, मेन जो कि कैपेसिटर है इसके अंदर, ठीक है? तो अभी देखते हैं इसके अंदर और क्या है। यहाँ पे दोस्तों चलिए इसको ले लेते हैं ऊपर, उसके बाद यहाँ पे नीचे जो कुछ भी है मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सो, ये आपको देखने को मिलेगा रिले, जो स्टार्टर के अंदर भी लगता है ये वाला रिले। सो इसका प्राइस दोस्तों आपको पड़ जाएगा लगभग 350 के अंदर, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भी आपको पड़ सकता है, 350 के अंदर आपको पड़ जाएगा इजीली, ठीक है दोस्तों? अभी इसके अंदर और भी कुछ है, जो जैसे कि वायरिंग रखा हुआ है, तो सबको दोस्तों मैं थोड़ा छांट छांट कर यानी अंदर बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जो कि वेराइटी का वायरिंग रखा हुआ है, सब बड़े बड़े जो कि मोटर के अंदर यूज़ होता है वो वाला वायरिंग रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों? इसको रख लेते हैं अभी दोस्तों। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि कैपेसिटर बहुत सारे रखा हुआ है, जो कि 10 mFD से लेकर 72 mFD तक है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों? अभी जो कि निकाल लेते हैं, जो कि बाहर निकाल लेते हैं सब के सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करते हुए। अभी सबसे पहले रिले को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा फोटो के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ रिले। सो यहाँ पे दो टाइप के हैं, यहाँ पे एक टाइप का, ये दूसरे टाइप का है, जो कि टोटल 4 पीस लाया हूँ, ठीक है? ज़्यादा एम्पियर का है और जो कि छोटा एम्पियर है, कम एम्पियर का है। यहाँ पे दोस्तों HCS का जो कि बेरिंग लाया हूँ, जो कि 5-5 पीस करके, जो कि पर पीस आपको पड़ेगा लगभग
80 के अंदर मिल जाएगा इजीली। यहाँ पे दोस्तों जो कि कपलर है, जो कि मैं यहाँ पे देख दूँ, जो कि 4 से 5 रुपए के अंदर मिल जाएगा पर पीस। ठीक है दोस्तों, अभी रखता हूँ। जो ड्रिल बीट है दोस्तों मेरे, जो कि दे दिया हूँ यहाँ पे दोस्तों, जो कि वॉशिंग मशीन का, जो कि यहाँ पे भी कुछ कैपेसिटर है, जो कि अलग वाला बोला था, जो कि सेम वाला ही भेज दिया, जो कि 11.5 का जो कि कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा 10 mm का कैपेसिटर रखा हुआ है, तो 5 पिंस। तो चलिए इसको छांट छांट के यानी बाहर निकाल लेता हूँ 10 mm का कैपेसिटर। यहाँ पे दोस्तों जो कि सेम वेराइटी का बहुत सारे कैपेसिटर देखने को मिलेगा, जो कि सेम कंपनी का है, ज़्यादातर दोस्तों नेपोलियन कंपनी का है, और जो कि और कुछ है जो कि स्टार या फिर स्पार्क या कुछ कंपनी का है, एंड हाई पावर का भी कुछ है दोस्तों। तो चलिए सब कुछ जो कि ऊपर लग देते हैं, जो कि भाई के पास दे देते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो कि 10 mm का कैपेसिटर है, 12 mm का है, 15 mm का है, उसका 20 mm, उसके बाद है 25 mm, उसके बाद है डायरेक्ट 36 mm, उसके बाद है 45 mm, उसके बाद है दोस्तों 50 mm, उसके बाद है दोस्तों 72 mm। तो सबका प्राइस दोस्तों आपको जो कि 10 रुपया 20 रुपया अप एंड डाउन यानी ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, जो कि मुझे दोस्तों 140 पड़ा है, 60 बोला था लेकिन 72 दे दिया, जो कि थोड़ा अच्छा हुआ मेरे लिए, जो कि उसका एक्यूरेट प्राइस मैं आपको बता दिया हूँ, जो कि 150 है। एंड दोस्तों इसके अंदर और कुछ है कैपेसिटर, सबका रेट बताऊँगा। सो चलिए यहाँ पे कुछ जो कि यहाँ पे मैं जो कि छांट रहा हूँ, जो कि 10 का ऑलरेडी दे दिया, अभी आएगा शायद बारिया है 10 12 5 का यानी 12.5 का कैपेसिटर, उसके बाद दिखाऊंगा दोस्तों आपको 15 का कैपेसिटर। सो दोस्तों एक काम करता हूँ, कैपेसिटर के बेटा आपको ध्यान में नहीं आएगा, तो कैपेसिटर जितने में से आपको हटा लेता हूँ तो वीडियो भी थोड़ा कम हो जाएगा, एंड आपका दिमाग से कैपेसिटर का रेट भी उठ जाएगा, जो कि प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट आपको पड़ेगा 60 से लेके, मेरे पास जो कि ज़्यादातर कैपेसिटर में लाया हूँ 60 या 70 प्राइस से लेके 150 रुपये के अंदर सबका प्राइस है, आपको मैं बता दिया हूँ। तो चलिए मैं कैपेसिटर जितने भी है दोस्तों सबको मैं रख देता हूँ ऊपर यानी। सो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट खाली कर दिया हूँ जो कैपेसिटर यहाँ पे देख दो, जो कि शायद 50 mm का दिया हूँ, एंड नीचे दोस्तों जो कि 72 mm का है। तो चलिए इसको मैं रख देता हूँ यानी दे देता हूँ ऊपर। इसका दोस्तों फुल होलसेल प्राइस आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 150 के अंदर, जो दोस्तों होलसेलर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको प्राइस भी इजीली बता देता हूँ। एंड दोस्तों आपको ख़रीदने जाओगे तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक पीस ले रहे हो, एंड सेकंड दोस्तों वहाँ पे आपके एरिया में होलसेल शॉप ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ पर 600 से 700 रुपये में हम बेचते हैं डायरेक्ट, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पे होलसेल में बहुत दूर से इसको मंगाया हूँ, जो कि यहाँ से मेरे शॉप से लगभग 500 किलोमीटर दूर से इसको लाया हूँ। ट्रांसपोर्ट चार्ज, ये चार्ज वगैरह ज़्यादा आपको पड़ता है दोस्तों। मैं दोस्तों इसको ट्रांसपोर्ट से लाया हूँ, जो कि ट्रांसपोर्ट का मुझे जो खर्चा पड़ गया, जो कि 650 लिया है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट मेरे दुकान से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ से एक्स्ट्रा आपको पड़ गया मुझे जो कि 300 रुपया सब मिलेगा दोस्तों मुझे एक्स्ट्रा, जो कि लग चुका है 1500 जो कि माल लाने में। उसके बाद मैं गया था वहाँ पे, जाके आ गया, लगा 3000 लगभग दोस्तों, 5000 का मोड़ा मुझे खर्चा ही आ गया। तो 5000 दोस्तों मुझे कहाँ से दिया, माल के अंदर तो ऐड करना है ना। सो तो छोड़ो बात की बात, अभी देखो ये देखो 6x100 का जो कि आर्मेचर है, यहाँ पे बहुत सारे जो कि ड्यू 10 है, जो कि 2 पीस लाया हूँ, एंड उसका दोस्तों जो कि CM4S का जो आर्मेचर है, जो कि CM4S का जो कि आर्मेचर का जो प्राइस है दोस्तों आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 380 से 400 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये जो कि 700 कुछ लिखा हुआ है प्राइस, ये दोस्तों ये कुछ आर्मेचर है, तो चलिए इसको रखता हूँ साइड में। अभी दोस्तों इसके अंदर जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये 2 पीस लाया हूँ, शायद इसका प्राइस लिखा गया है यहाँ पे देख सको, जो कि 760 लिखा हुआ था। अभी यहाँ पे कुछ और भी वेराइटी का है, जो कि मैं आपको बताया था प्राइस CM4S, जो इसका प्राइस दोस्तों आपको मिल जाएगा 400 रुपया के अंदर। एंड दोस्तों यहाँ पे देख सो जो कि मिक्सर ग्राइंडर का मोटर रखा हुआ है, या फिर सबसे पहले जो कि खाली कर लेता हूँ इसके अंदर क्या कुछ है, जो कि आर्मेचर ही दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिक्सर ग्राइंडर का मोटर देखने को मिलेगा, जो कि ग्राइंडर के अंदर यूज़ होती है। दोस्तों कपलर है, बहुत सारे वेराइटी का है, बट इसमें एक ही वेराइटी का अवेलेबल है। सो दोस्तों ये मेन जो कि ग्राइंडर का मोटर है, जो कि प्राइस यहाँ पर मैंसन किया गया है, आप चाहे तो देख सकते हो, इसका मॉडल भी यहाँ पर लिखा गया है, जो कि कैनेस्टर 35 mm का ग्राइंडर है। सो दोस्तों सभी का जो कि मैं आपको दिखा दिया हूँ प्राइस। सो वीडियो थोड़ा भी पसंद लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।